आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एसएम मसूद अहमद। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से सुनी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया का एक नुमाइंदा वफ़्द आज कायद अहले सुन्नत हज़रतुल्लामा मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी कादरी अलमारूफ मुर्तदा पाशा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाह नूरानी बानी व सरपरस्त सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की हिदायत पर फलकनुमा ब्रिज का आज दौरा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिलाद रियाली के गुजर के लिए उषा खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के लिए सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की कामयाब नुमाइंदगी पर इंशाअल्लाह ताला बरोज़ मंगल 19 अक्टूबर को मिलाद जुलूस के मौके पर फलकनुमा ब्रिज उषा खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजर के लिए और मिलाद जुलूस में शिरकत के लिए खोला जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के सीनियर कायदीन हाफिज अहमद बिन साले बावजीर साहब और हमारे मिर्जा करीम बेग साहब क़िबला यहां पर इंस्पेक्शन के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रिज का काम तेजी के साथ हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम मुकम्मल हो चुका है। जो कुछ छोटे मोटे काम बाकी है इंशाअल्लाह ताला वो रियाली के दिन तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मैं उषा खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से रियाली का गुजर होगा और यहाँ से आसानी के साथ आप DCMs के जरिए अपनी गाड़ियों के जरिए मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत कर सकेंगे और नारा लगाते रहेंगे, चाहे तैबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ, कारवाने मोहम्मद रुकेगा नहीं, कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्रुप मुकम्मल हो चुका है गुजरने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन यानी 19 अक्टूबर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्व मुसर्रत मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रिज एक दिन के लिए खोला जाएगा। फिर इसके बाद जितने भी काम बाकी है मुस्तकिल तौर पर फिर वो 28 तारीख अक्टूबर को जो हुकूमत टाइम दी है उस वक्त तो पूरा मुकम्मल खोल दिया जाएगा। लेकिन एक दिन 19 अक्टूबर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन ये एक दिन के लिए सुबह से लेकर शाम तक ये ब्रिज इंशाअल्लाह ताला कलम तमाम मिलादी भाइयों के लिए खुला हुआ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप जरूर ये ब्रिज से ये सेट रहने वाले तमाम इस ब्रिज के जरिए से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकजी रियाली में शिरकत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर दावा यह थी इस वक्त की अहम खबर। रोजाना की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोज न्यूज। इसी के साथ मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।